चेंज कर चुकी है, उनकी लाइफ को चेंज कर चुकी है, उनकी लाइफ को टच करके उनको बहुत कुछ दे चुकी है ये इंडस्ट्री। और इसके बारे में अगर आपको कुछ नोट करना है, कुछ लिखना है, तो जरूर लिखिएगा। अपने फोन को कुछ समय के लिए साइलेंट या अपने से दूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचने वाली है। और उसके साथ साथ चाहूंगा कि अगर आपका कोई सवाल आए, आपके मन में कोई क्वेरी आए, तो उसको जरूर उसको भी नोट डाउन कीजिएगा। और लास्ट में हम लोग एक चैट सेशन रखेंगे, जिसके अंदर आपको आपकी जो भी क्वेरीज होंगे, जो सवाल होंगे, उसका पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी। उसका जो भी आंसर है, जो रिप्लाई है, आपको दिया जाएगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए आज के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए और आप तक पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए मैं अपने जो सीनियर हैं उनके बारे में थोड़ा परिचय दे दूं। नाम उनका आशीष कुमार नायक है और उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, और वो दिल्ली आए थे जॉब के लिए और एक अच्छी जॉब कर रहे थे। अकाउंट्स बैकग्राउंड से थे, तो अकाउंट से रिलेटेड वो जॉब भी कर रहे थे, बहुत अच्छी पोस्ट ऊपर तक गए 10 सालों में। लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगा कि उनको और कुछ अच्छा लाइफ में बेटर चाहिए, तो उनके सामने ये शानदार अपॉर्चुनिटी आई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। और उस इस शानदार अपॉर्चुनिटी को उन्होंने परस्यू किया और आज अपने लाइफ के अंदर बहुत सारी अचीवमेंट्स वो ले चुके हैं। कई सारी विदेश यात्राएं किया, बहुत सारे विदेश यात्रा के साथ साथ अपने लिए एक शानदार घर लिया, गाड़ी खरीदी, एक अच्छी इनकम पे हैं। और आज अपनी जॉब को टोटली क्विट कर चुके हैं और फुल टाइम इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। ना सिर्फ खुद डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारे अपने टीम के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को डेवलप कर रहे हैं, जैसे उनमें से मैं एक मैं भी हूँ। उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलता है। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं अपने जो सीनियर हैं, मेंटर हैं, बहुत ही शानदार एक स्पीकर हैं, एक लीडर हैं, मैं उनको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, मिस्टर आशीष कुमार नायक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू देवाशीष जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, गुड मॉर्निंग सुन के जो लोग फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा सरप्राइज हो रहे होंगे, बट वेस्टिज की या हमारी प्रोफेशन में गुड मॉर्निंग कहा जाता है, और मॉर्निंग का मतलब यही है, जब जागो तब सवेरा। और पहली बार हम मिल रहे हैं, इसलिए मॉर्निंग से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे काबिल दोस्त ने बताया, मेरा नाम आशीष नायक है और मुझे लगभग इस प्रोजेक्ट में 9 साल पूरे हो चुके हैं। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आपको इस प्रोजेक्ट की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा, जिस जानकारी ने मेरे जैसे हजारों लोगों की लाइफ को बदला है। तो हो सकता है आने वाले समय आपकी लाइफ में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आए। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। और मैं फाइल, मुझे कुछ फ्री सेकंड चाहिए, जस्ट मैं फाइल शेयर करता हूँ। चलिए, ये हमारे स्क्रीन आ रहा है देवाशीष जी? यस यस सर, यस सर। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है 21st सेंचुरी अपॉर्चुनिटी, या ये 21वीं सदी की बिजनेस कहा जाता है, जिस बिजनेस के बारे में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वर्ल्ड की बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े अर्थशास्त्र या बड़े राइटर्स ये लिखते हैं। हमारे एक बहुत बड़े और यूएसए की बहुत बेस्ट सेलर लेखक जो है, मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, ने एक किताब लिखी है 21वीं सदी की बिजनेस, और वो इसी बिजनेस के बारे में पूरा एक किताब लिख चुके हैं। तो ये क्या 21वीं सदी की बिजनेस है, उसके बारे में थोड़ा सा आगे जाके समझते हैं। लेकिन पहले समझते हैं इसको, ये अपॉर्चुनिटी है किसके लिए, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है कि कौन इसको कर सकता है। सबसे पहला क्वालिफिकेशन अगर मैं बात करूं, तो जो इंसान अपने इनकम से थोड़ा बेहतर करना चाहता है या एक एक्स्ट्रा इनकम की तलाश में है, तो उसके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी तरह काम करता है। नंबर 2, उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम जितना भी है उसमें गुजारा तो हो रहा है, लेकिन वो बेहतर चाहते हैं और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना चाहते हैं। कोई ऐसा सपना है जो पूरा करना चाहते हैं अपने लाइफ में, और उनको लगता है कि मैं करंट प्रोफेशन से पूरा नहीं कर सकता, उनके लिए भी एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तीसरा, उन लोगों के लिए जो 18 साल से ज्यादा है और अपने प्रोफेशन में खुश नहीं है, जो भी प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं उससे अगर खुश नहीं है, तब भी आपको ये अपॉर्चुनिटी एक बहुत ही अच्छे मौका की तरह साबित हो सकता है। चलिए चलते हैं। ये आपकी अपने खुद की बिजनेस है, क्योंकि मैं इसी के बिजनेस बताने का मेन मकसद ये है कि यहाँ कोई जॉब हम आपको ऑफर नहीं कर रहे हैं, आपको एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हैं जो एक आम इंसान कर सकता है और करके सफल हो सकता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये अपॉर्चुनिटी अगर आप इनकैश करते हैं, सीखते हैं, करते हैं, तो ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस लेके आ सकता है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। कोरोना की वजह से हम सब लोगों को एक सीख मिली कि हमारी मेन इनकम के साथ साथ हमें हमेशा कहीं ना कहीं एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जरूर रखना चाहिए। और ये आपके लिए एक मौका है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ ये सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए हेल्प कर सकता है।
नंबर थ्री, तीसरा सबसे इंपोर्टेंट चीज है, आपको अपने प्रोफेशन चेंज नहीं करना है या डिस्टर्ब भी नहीं करना है। आप जो काम कर रहे हैं उसको करते हुए पार्ट टाइमली, अगर आपको दिन में 2 से 3 घंटा या हफ्ते में 10-12 घंटे समय निकाल पाते हैं तो भी आप इस बिजनेस में, प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे हाउसवाइफ्स हैं जो अपने हस्बैंड से भी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने टीचर से भी ज्यादा कमा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने जॉब के साथ साथ इस काम को करते हुए जॉब की आमदनी से भी ज्यादा पैसा इस प्रोजेक्ट से कमा रहे हैं। क्या है ये प्रोजेक्ट, इसको पहले समझने से पहले समझते हैं कि क्या फायदा है, क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहला बेनिफिट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगाना है। हम सब लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं और जब मध्यम वर्ग के लोगों को बिजनेस की बात कहते हैं, कहीं ना कहीं मन में तो बिजनेस करने का हमेशा इच्छा रहती है, लेकिन जब भी बिजनेस की बात आती है एक चीज हमें सबसे बड़ा रुकता है, वो है पैसा। पैसा मतलब एक बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़ा रिस्क। जब इन्वेस्टमेंट होता है तो हमारे साथ एक चीज जुड़ जाता है, वो है रिस्क। अगर नहीं चला तो यही सवाल की वजह से हम बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते। बट यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बिजनेस 90% बिजनेस इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि लोग बिजनेस शुरू तो कर देते हैं जिसकी कोई अनुभव नहीं होता है। बट ये बिजनेस में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो अच्छी बात है, यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। नंबर थ्री, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, आप अपने बिजनेस का खुद का मालिक है, तो आप इसको अपने तरीके से कर सकते हैं सीखने के बाद, और आप अपने टारगेट खुद तय करिए। और इस दौर पे, जिस दौर पे हम इस एक महामारी के दौर पे चल रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लॉकडाउन और कर्फ्यू, ऐसे समय पे अगर आपको कोई ऐसा मौका मिले जो ऑनलाइन किया जा सकता है तो इससे बढ़िया चीज कोई नहीं है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से इस काम को किया जा सकता है, और हिंदुस्तान के या जहां जहां इंटरनेट है वहां तक आप इस काम को लेके जा सकते हैं। चलिए देखते हैं इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वर्ल्ड वाइड इसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। क्यों डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि ये इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड लगभग 150 से ज्यादा देशों में काम करते हैं। जब मैंने इस इंडस्ट्री को शुरू किया था तो मैंने बहुत सारे रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद यही पाया कि ये इंडस्ट्री कोई नया इंडस्ट्री नहीं है। हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में लगभग 25 साल पूरे हो चुके हैं। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे सुन रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे सुन रहे होंगे जिनकी उम्र भी 25 साल नहीं होगा, लेकिन ये 96 से इस प्रोजेक्ट इंडस्ट्री हिंदुस्तान में कदम रखा, तब से लेकर अभी तक ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे भारत सरकार ने 2016 26 96 में शुरू हुआ था, 2016 में भारत सरकार ने इसकी कुछ गाइडलाइंस बनाई, और 2021 दिसंबर में कुछ दिनों पहले ही भारत सरकार ने इसकी कानूनी जमा पहना दी। इससे लीगल बिजनेस नाउ इसकी लॉज निकल आ चुका है, और 90 दिन की अभी ये प्रोसेस में चल रहा है। बहुत जल्दी इसके ऊपर बहुत सारे और भी नोटिफिकेशन आने वाले हैं। नंबर थ्री, ये प्रेजेंटली 19,000 करोड़ की टर्नओवर कर रही है इंडिया में, पूरा इंडिया भर इंडस्ट्री अलग अलग कंपनी के माध्यम से। लेकिन अगर बात करें लोगों की तो आज 10 लाख से ज्यादा लोग हैं जो इसको कैरियर ले चुके हैं, मतलब फुल टाइम इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बिजनेस में और अपने इनकम को बढ़ा रहे हैं। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, आने वाले 3 से 4 साल के अंदर इसकी जो टर्नओवर है, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, केपीएमजी का रिपोर्ट है, लगभग 64,500 करोड़ करने की उम्मीद है, और ये संभावनाएं बताई जा रही है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि इंडस्ट्री कैसे काम करते हैं आने वाले, और सबके मानना ये है कि आने वाले समय हिंदुस्तान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके डायरेक्ट सेलिंग के लेके। चलिए अभी बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे कंपनी काम करते हैं। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं या जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है और इसका नाम है वेस्टीज। आपने नाम देख रहे हो, उसके साथ साथ देख रहे होंगे इश्यू वेल्थ। यहाँ पे जो वेल्थ लिखा है इसकी स्पेलिंग अलग लिखा है, लेकिन इसके मतलब यही है कि वेल्थ थ्रू वेलनेस, आप स्वस्थ रह के कैसे पैसा कमाया जा सक कमाएंगे उसके बारे में वेस्टीज ने इस कंपनी को स्थापना की है, शुरू की है। अगर मैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो कंपनी कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई, अगर इसकी सबसे पहले बात करते हैं कुछ मैनेजमेंट्स की, कंपनी के मैनेजमेंट्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो सबसे मुखिया जो कहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है गौतम बालीजी। गौतम बालीजी के बारे में अगर मैं बताऊं, आपने अपने करियर शुरू किया कुछ फाइजर कंपनी जो फार्मास्यूटिकल की एक लीडिंग कंपनी है, और 1996 में जब हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कदम रखा तो बाली साहब ने डायरेक्ट सेलिंग की एक लीडिंग कंपनी के साथ काम किया, लगभग 5-6 साल इसके अनुभव लिए, हिंदुस्तान में कोने कोने में जाके इस बिजनेस को डेवलप किए, और उसके बाद कुछ MNC बड़े बड़े कंपनी इंटरनेशनल कंपनी के साथ मिलकर काम किए, और बहुत सारे अनुभव होने के बाद 2004 में
2004 में इसी सोच के साथ किए कि क्यों ना मैं हिंदुस्तान के लोगों के लिए कुछ ऐसे रास्ता, एक ऐसे प्लेटफॉर्म बनाऊं जहां पे हर वर्ग के लोग यहाँ सफल हो सके। इसी सोच के साथ 2004 में वेस्टीज को स्थापना किया गया, और उनके साथ दिए थे कन्वर जी जो आईटी डायरेक्टर हैं, उनको भी अनुभव लगभग 96 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से है, और मिस्टर दीपक सूद जी जो ऑपरेशन और सेल्स देखते हैं, और आपने भी अपने 96 से डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़े हुए हैं। अगर तीनों के अनुभव जोड़ दूं तो आज के डेट में लगभग 75 साल के अनुभव है इस तरीके की कंपनी को लेके चलने में, और 17 साल से ये कंपनी ग्रो कर चल चल कर रही है और बहुत सारे लोगों की लाइफ को बदल रही है। आइए समझते हैं कि कंपनी का विजन क्या था। कंपनी का विजन की अगर बात करूं, ये विजन 2004 में जब कंपनी शुरू हुई थी, इसी विजन के साथ कंपनी ने अपने काम शुरू किया था कि लोगों को अपने शर्त पर आर्थिक स्वतंत्रता प्रोवाइड करना है, और वो भी अपने टर्म, खुद का मतलब इंडिपेंडेंस ऑन देयर ओन टर्म। और मैं आज की बात करूं तो आज हजारों लोग इस चीजों को पूरा कर चुके हैं, अपने लाइफ में आर्थिक स्वतंत्रता पा चुके हैं। मिशन की बात करूं तो वेस्टीज की मिशन है कि ग्लोबल रैंक में, ग्लोबल स्केल में अपने आप को एक बेंचमार्क स्थापित करना है, जो ऑलरेडी वेस्टीज ने कर चुका है। तो इसका मतलब कंपनी जिस विजन और मिशन को लेके शुरू किए थे, आज वो सारे सही रास्ते पे जा रहे हैं और सही चीजों को पूरा कर रहे हैं, सही मिशन और विजन को पूरे कर रहे हैं। तो इससे क्या ये संभावनाएं बनती है, इससे ये समझ में आता है कि कंपनी एक राइट डायरेक्शन पे और लोगों के लिए काम कर रही है। अगर मैं कंपनी के थोड़ा सा बैकग्राउंड जाके थोड़ा बताऊं कि 2004 में कंपनी कैसी परिस्थिति में शुरू हुई थी और आज उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है। अगर मैं 2004 की बात करूं, कंपनी केवल दो ऑफिस में शुरू किए थे, दिल्ली और बेंगलोर में, बट आज की डेट में कंपनी के पास लगभग 50 ऑफिसेस, ब्रांच ऑफिस ऑल ओवर इंडिया में, और 3,500 पिकअप सेंटर्स हैं छोटे छोटे शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और अगर शुरू किया था, केवल जिस दिन शुरू हुई थी 2004 में, 5-6 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए थे, ज्वाइनिंग किए थे, लेकिन आज के डेट में 2.5 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं। 2004 की बात करूं तो कुछ फ्यू प्रोडक्ट्स के साथ, कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट के साथ कंपनी ने अपने इस कारोबार शुरू किया था, बट आज के डेट में 300 से ज्यादा प्रोडक्ट है, 16 कैटेगरी के अंदर ये डिवाइड हुआ है। शुरू हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर, बट आज के डेट में अगर मैं बात करूं, ऑल ओवर वर्ल्ड में 9 देशों में पहुंच चुका है, और वेस्टीज का टारगेट है 2025 तक लगभग 50 देशों में अपने अस्तित्व या अपने पंचम रहना है। अभी जैसे रिसेंटली घाना में शुरू होने जा रहा है, और उसके साथ साथ अगर शुरू हुआ था जब, तब 2 साल लग गया था एक 1 लाख अचीवर पैदा करने में, मतलब एक नया अचीवर बनने में 1 साल, एक से 2 साल लग गया था 1 लाख रुपए कोई कमाने में डिस्ट्रीब्यूटर, पर आज के डेट में लगभग 3,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है जो 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर की, तो कुछ कार अचीवर कार फंड के माध्यम से लिए थे, वेस्टिज के इनकम के माध्यम से, बट आज की डेट में 5,000 से ज्यादा लोग गाड़ी ले चुके हैं, और उसमें से 250 लोग ऐसे हैं जो BMW, ऑडी, मर्सिडीज जैसे गाड़ी चला रहे हैं। जब शुरू किए थे 2004-5 में, तो कंपनी का जो टर्नओवर था बहुत ही कम था, 5 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाया था, लेकिन पिछले साल की जो टर्नओवर है कंपनी का, वो 2,500 करोड़ रुपए है। तो आप समझ सकते हैं किस तेजी से वेस्टिज आगे बढ़ रहा है और इसका विजन क्या है। और वेस्टिज की मानना है, वेस्टिज की मैनेजमेंट ने जब जब जो जो बोले हैं उसी टारगेट को पूरे किए हैं, और 2022-23 2022-23 में वेस्टिज का जो टारगेट है वो 5,000 करोड़ टर्नओवर करने का मिशन में काम कर रही है। अगर मैं वेस्टिज की कुछ अचीवमेंट की बात करूं, वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का ये ग्लोबली रैंकिंग में जो बेंचमार्क स्थापना करना था वो ऑलरेडी कर चुका है, पिछले 5 साल से टॉप 100 कंपनी में शामिल हो चुका है, और पिछले साल 36 रैंक में ये है, और ये और आगे बढ़ रहा है। और 2025 तक वेस्टिज का जो मिशन है तो वो है कि 2025 तक टॉप 10 कंपनी में अपने आप को शामिल करना है। ये कुछ अवार्ड्स हैं, कुछ रिकॉग्निशन है, जैसे आप देख रहे हैं एबीबी न्यूज की तरफ से बेस्ट न्यूट्रासिटिकल कंपनी के अवार्ड मिला है, नॉर्थ इंडिया की बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द अवार्ड मिला है, ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेशन मिला है, और अलग अलग प्लेटफॉर्म से कंपनी को हमेशा अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट से नवाजा गया है, जिसमें लीडिंग ब्रांड, लीडिंग लीडरशिप, वो सारी चीजें शामिल है। इससे ये साबित करता है कि कंपनी एक अच्छे लीडर के साथ काम कर रही है। यस, आप है हमारी ब्रांड एम्बेसडर सर। अगर मैं ब्रांड एम्बेसडर की बात करूं तो आज वेस्टीज जिस मुकाम तक पहुंची है उसके पीछे इन्हीं लोगों की हाथ है। अगर मैं इनसे बात करूं, रमेश पुनानी जी इंजीनियर्स हैं, गुरुशरण सिंह आपके बिजनेसमैन है, RS राजन सिंह भेल में जॉब करते थे, एक सीनियर इंजीनियर से हैं, और लेकिन उसके बाद भी आज VRS लेके फुल टाइम कर रहे हैं। सब अलग अलग प्रोफेशन से, लेकिन एक बड़े बड़े टीम को लीड कर रहे हैं। जतेंद्र नायक जैसे इंसान जो साइकिल चला के अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे, आज ये ब्रांड एम्बेसडर है, लगभग 25,000 सॉरी 25 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, और
ऑडी Q5 गाड़ी चला रहे हैं। मिस्टर विवेक सक्सेना जी सरकारी नौकरी में अपने 3-4 हजार 98 में 4-5 हजार में शुरू किए थे, लेकिन सरकारी नौकरी पसंद नहीं है, 2 साल बाद जॉब छोड़ के फुल टाइम किए इस बिजनेस को और आज 40 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अचीवर हैं जो इस बिजनेस में अपने आप को वो बहुत ही उच्च ऊंचाई तक पहुंचाए, 5 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक कमा रहे हैं ये वेस्टीज एम्बेसडर्स। अगर मैं, ये था कुछ प्रोडक्ट हमारी कॉर्पोरेट के बारे में, आइए समझते हैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में। कंपनी प्रोडक्ट क्या बनाती है, क्यों प्रोडक्ट की इतना डिमांड है, आज कौन है ये लोग प्रोडक्ट को यहाँ तक लेके पहुंचा है और किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है, उससे जानने से पहले मैं आपको बता दूं वेस्टीज की या गवर्नमेंट के गाइडलाइन के तहत जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके ज्यादातर प्रोडक्ट अपने खुद की मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। इसी शर्त को 2004 से कंपनी फॉलो कर रही है और 2004 से कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ये सारे प्रोडक्ट बना रही है, जितने भी प्रोडक्ट हम अभी आने वाले समय पर डिस्कस करेंगे, जिसमें R&D डिपार्टमेंट खुद का है, हाईएस्ट ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन किया, इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, GMP सर्टिफाइड है और सबसे अच्छी बात है FDA फूड एंड ड्रग अथॉरिटी को सारे गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। हलाल GMP ISO सर्टिफिकेट आप देख रहे पा रहे हो। हिमाचल प्रदेश बद्दी में कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। प्रोडक्ट कैसे काम करता है इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले पहले ये समझते हैं ये सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी क्या है। किसी ने अगर आपको बुलाया होगा तो यही बोला होगा कि हमारी CNT है। CNT सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है और ये एक थोड़ा भारी भरकम शब्द है, लेकिन अगर इसको समझते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि कोशिकीय पोषण पद्धति होता क्या है। पहले ये समझते हैं कि हमारी जो शरीर है वो कैसे बना, हमारे शरीर सेल से बना है और वो खरबो सेल्स हमारे शरीर के अंदर, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से फिर शरीर बनता है। हमारी कोशिका को डेली बेसिस पे चाहिए 46 तरीके के पौष्टिक तत्व, जो हमारी भोजन से, हमारी पानी से, हमारी सांसों से मिल जाना चाहिए, हवा से। बट आज की जो परिस्थिति है, आज इस परिस्थिति से हम लड़ रहे हैं, ना भोजन हमें सही मिल रहा है, ना हमें पानी सही मिल रहा है, ना हमें सांस लेने में स्वस्थ एयर मिल रहा है। इसी के लिए हम कम उम्र में बड़े बड़े बीमारी लोगों को हो जाता है। तो इसी को बचाने के लिए वेस्टिज ने 2004 में एक ऐसे थेरेपी लेके आया जो पहली बार शुरू हुआ, वेस्टिज सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। और ये थेरेपी इस तरीके से काम करता है कि वेस्टिज की जो भी आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं ये आपकी सेलुलर लेवल पे जाके काम करता है। जैसे कि अगर आपकी शरीर के अंदर या किसी पेड़ को अगर जिंदा रखना है या बड़ा करना है तो सबसे पहले उसकी जड़ को अच्छी मजबूत होना जरूरी है, और जड़ अगर मजबूत है तो पेड़ भी मजबूत होता है। इसी तरीके से सेल्स अगर सही है तो हमारी शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ये कुछ हेल्थ प्रोडक्ट है और मैं आपको बता दूं जितने भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कोई भी दवाई नहीं है, सारे जड़ी बूटियां हैं और ये टाइम टू टाइम जड़ी बूटियों के अंदर नए नए प्रोडक्ट आते हैं। और ये उसी तरीके से जैसे 100-200 साल पहले हमारी बुजुर्गों ने अपने जड़ी बूटियों से बड़े बड़े बीमारी ठीक करते हैं, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसके अंदर औषधीय गुण इतने मात्रा में है कि अगर हम इसको खाते हैं तो हमारे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसमें हमारे शरीर में बहुत सारे फायदा होता है। कैसे काम करता है आइए समझते हैं। और सबसे अच्छी बात, जब आप इसको लेते हैं, वेस्टिज कहता है कि जब आप इसको लेते हैं तो ये आपकी आहारों की या आपकी भोजन की जो कमी बेसी होता है उसको पूर्ति करता है, क्योंकि आज की भोजन में वो पौष्टिक तो नहीं मिल पाता जो पहले मिलता था, किसी भी वजह से बहुत सारे कारण है उसके। लेकिन ये कैसे कैसे काम करता है सबसे पहले अभी देखते हैं। वेस्टिज प्राइम, प्राइम के अंदर आप देख रहे हो 4 प्रोडक्ट हैं। इस 4 प्रोडक्ट में सी बक्थ्रन, मेटामाइंड, क्रील ऑयल, कुम्बाइटिक। सी बक्थ्रन एक ऐसे प्रोडक्ट है जो बेर तरीके की होता है, लेकिन इसको इसके अंदर इतना ताकत है, इतना पौष्टिक तत्व आता है और सबसे अच्छी बात है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसको आर्मी लोगों को दिया जाता है जो -30-40 डिग्री में भी और 50 डिग्री टेम्परेचर में भी वो वहाँ अपने बॉर्डर में रहते हैं, उन लोगों को दिया जाता है। और अच्छी बात है कि अंतरराष्ट्रीय में जो लोग जाते हैं उनको भी दिया जाता है। एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, एक मल्टी विटामिन की तरह काम करता है। क्रील ऑयल हमारी एक मछली की तेल है जो बहुत रेयर पाया जाता है, लेकिन ये ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा की वजह से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके की प्रोडक्ट हमारे पास है जो प्राइम रेंज में आता है, थोड़ा सा प्राइम मतलब प्रीमियम रेंज का। कुम्बाइटिक्स हो, मेटामाइंड हो, जैसे माइंड की आज के बच्चों की जो बहुत सारी दिक्कत होती है, मेमोरी थोड़ा कम होता है आजकल यूज की वजह से मोबाइल और ये, तो इसको आप मेटामाइंड को यूज कर सकते हैं। प्रो हार्ट केयर हमारे हार्ट केयर प्रोडक्ट है, जो भी दिल के संबंधित अगर किसी को कोई शिकायत है तो आप इसको ले सकते हैं। इसे लेने का फायदा ये है कि आपके हार्ट जो ब्लॉकेट होता है या कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाता है, जो हमारे हार्ट से दिक्कत आते हैं, हाई BP होता है, वो सारी चीजों के लिए बहुत शानदार काम करता है। कोई भी इसको यूज कर सकता है 12 साल से ज्यादा। फ्लैक्सीड ऑयल जो है वो अलसी का बीज का तेल है। LRG9 आपकी डॉक्टर फारूक मुराद ने ये किए थे, इनोवेट किए थे और वो एक नोबेल प्राइज विनर है।
इसको जो भी लेता है उसके अंदर एनर्जी और उसके साथ साथ आपके नशे में कोई कहीं पे भी रुकावट होती है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, वो बहुत शानदार होता है। उसके साथ साथ ग्लिसेमिक है, जो डायबिटिक पेशेंट के लिए, जो लोग डायबिटिक है वो नीम ले सकते हैं, और ये नीम इतना शानदार है कि आप, ये निमोली फली से बना हुआ है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ब्लड प्यूरिफाइड के लिए भी काम करता है। स्टीविया जो शुगर फ्री क्यूब्स है, लेकिन ये मिट्टी तुलसी के पत्ते से बना हुआ है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जॉइंट बोन्स के अंदर हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आपको घुटनों के दर्द के लिए बहुत शानदार होता है। कोई भी पुराने घुटनों के दर्द की शिकायत है तो आप इसको जरूर ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम और हमारी फ्लेक्सिबल दे सकते हैं, और इससे क्या होगा कि उनकी घुटनों के दर्द 3 से 4 महीने के अंदर धीरे धीरे ठीक होना शुरू होता है। उसके बाद इम्यूनिटी बूस्ट, इम्यूनिटी हमारी आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इम्यूनिटी जितना ज्यादा स्ट्रांग है तो उससे फायदा क्या होता है कि बाहर की बीमारी इतना जल्दी अफेक्ट नहीं करता है, और वही लोगों को ज्यादा दिक्कत आई कोरोना टाइम जिनकी इम्यूनिटी कमजोर था, चाहे किसी भी बीमारी की वजह से। यहाँ पे वेस्टिज ने कुछ इम्यूनिटी प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे स्पिरुलिना, नोनी, कोलोस्ट्रम, एलोवेरा, आंवला। स्पिरुलिना एक समुद्री काई है, नोनी एक फल है। कोलोस्ट्रम एक गाय के बछड़े देने से पहले, वो बछड़े देने के बाद जो दूध देती है उसकी, उसी से बनता है। एलोवेरा आप जानते हैं बगीचा में, और बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, इसमें पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। आंवला हमारी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठंडा भी रहता है, गर्मी में भी बहुत काम करता है। इसको अगर कोई भी एक प्रोडक्ट आप लेते हैं तो इसमें इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होता है। उसके साथ डिटॉक्सिफिकेशन से शरीर से टॉक्सिन को निकालने के लिए जो काम करता है, जैसे किसी को कंस्टिपेशन है या आपकी पेट साफ नहीं होता है तो ये फाइबर आप यूज कर सकता है, जो इंटेस्टाइन को क्लीन करने में मदद करता है। गेनोडर्मा आपको ब्लड प्यूरिफायर, उसके साथ साथ आपकी टॉक्सिन क्लीन करने में मदद करता है। डिटॉक्सिफिकेशन हमारे ऑर्गन से जो भी टॉक्सिन जमा होता है वो हमारे तलवे के नीचे से, पेड़ के नीचे से, वहां से आपकी ये सारे ब्लड के माध्यम से निकल आता है, और बहुत गंदगी निकलती है। आई केयर के लिए, आई के लिए यूज कर सकते हैं। और उसके बाद कर्कुमिन जो हल्दी की पाउडर होता है, उसके अंदर हल्दी के बीच में एक लाल कलर की अंदर पाया जाता है, जिसको कहते हैं 100 ग्राम में 5-7 ग्राम कर्कुमिन मिलता है, तो उस कर्कुमिन का पाउडर, ये पाउडर इसके अंदर कैप्सूल के आकार में मिलता है, जो पुराने जमाने में हल्दी लोग यूज करते थे। ये कुछ डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोडक्ट है, फिटनेस के प्रोडक्ट है, जो लोग फिट रहना चाहते हैं, चाहे वो हेल्दी, किसी का वेट ज्यादा है कम करना है, या किसी का कम है किसी को ज्यादा करना है, तो इस वेट मैनेजमेंट के कुछ प्रोडक्ट है, आप इसको यूज कर सकते हैं। वुमेन्स हेल्थ के अंदर आज हम जानते हैं हिंदुस्तान की 70% महिला एनेमिक होते हैं, अलग अलग बीमार के ग्रस्त होते हैं उम्र के हिसाब से। अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे तो ये बहुत सारे महिलाओं के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है, जैसे आयरन फोलिक है, हेमोग्लोबिन के लिए शतावरी, अपने जो समय से समय के साथ साथ आपकी हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। क्रैनबेरी या यूरिनल इन्फेक्शन के लिए है। हेयर स्किन नेल जैसे लिखा गया है, बालों के लिए, स्किन के लिए काम करता है। यू कंट्रोल, यूरिनल कंट्रोल, जिसकी यूरिन से एज के बाद जब आप यूरिन कंट्रोल करने के लिए ये इसको यूज कर सकते हैं। ये सारे डिटेल प्रोडक्ट की जानकारी आपको यूट्यूब के अंदर या हमारी ट्रेनर के माध्यम से मिल जाता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको जानकारी लेना है तो आप डिटेल में जानकारी भी ले सकते हैं। बाकी ये आयुष अंत्य की, आयुष अंत्य हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ये आयुर्वेदिक सर्टिफाइड मेडिसिन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपकी किसी भी तरीके की बीमारी है, चाहे वो लीवर के लेके, किडनी के लेके, सांसों के संबंधित है, या ग्लूकोज हेल्थ जो हमारी डायबिटिक के लिए, तो उनको आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, और ये शानदार इफेक्ट है इसके, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हमारी कोई भी प्रोडक्ट की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये आयुर्वेदिक की मेडिसिन की तरह आपका ये काम करता है। जो जहां जरूरत पड़े आप उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। सलाह लेके, सलाह किससे लेंगे? जो हमारी डाइटिशियन है या जिसने आपको बुलाया उनसे सलाह लेके आप कर सकते हैं। ये था कुछ हेल्थ प्रोडक्ट जो हमारे शरीर को अंदरूनी तरीके से साफ करता है, लेकिन ये वाटर प्यूरिफायर सार्फ की कंपनी ने इसीलिए लेके आया क्योंकि पानी अगर स्वस्थ नहीं पीते, आप कितने भी स्वस्थ खाना खा लीजिए, कितने सप्लीमेंट ले लीजिए, अगर पानी साफ नहीं है तो हो सकता है आपके शरीर स्वस्थ नहीं रहे, इसीलिए वेस्टिज ने सार्फ वाटर प्यूरिफायर लेके आया। अगर आप टूरिंग जब में है, ट्रैवल करते हैं, तो आप इस पिचर को ले सकते हैं जिसमें 1.5-2 लीटर पानी आपकी साफ रह सकता है। आप इसको कैरी कर सकते हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं पानी डालिए, कहीं से भी पानी भर दीजिए और वो पूरा क्लीन वाटर आपको मिल जाता है। ये आपको घर में इंस्टॉल करने के लिए वाटर प्यूरिफायर है, एयर प्यूरिफायर सांसों के लिए। कहा जाता है लगभग 12 से 15 हजार लीटर हम सांस एक दिन में लेते हैं, और लेकिन उसके बारे में हम सोचते नहीं है। अगर प्यूरिफायर आप घर में लगाते हैं तो आपकी फ्रेश एयर मिलता है, ताकि आपकी सांसों की संबंधित कोई दिक्कत है तो आप इससे
जैसे अभी कोरोना के टाइम पे अगर किसी को भी कोरोना इफेक्ट है तो आप इस प्यूरिफायर को उस रूम में लगाइए ताकि इसकी जो बैक्टीरिया है इतना जल्दी स्प्रेड नहीं होता और बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। सार फिल्टर क्या है, कैसे प्लाज्मा क्लस्टर काम करता है, कैसे इसकी फिल्टर काम करता है, इसकी वीडियोज भी आप देख सकते हैं जाके, और ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ आइए हेल्थ प्रोडक्ट, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी बड़े होते गई आगे बढ़ते गई तो उसी तरीके से कंपनी अपने अपने जो रेंज है प्रोडक्ट्स का वो बढ़ाती गई, क्योंकि सप्लीमेंट के अलावा फिर फूड हेल्थ फूड के अंदर कुछ प्रोडक्ट लेके आए जैसे लाइट हाउस की राइस ब्रान ऑयल, ये एक ऐसे शानदार प्रोडक्ट है, सबसे हाई डिमांड है हमारी कंपनी का प्रोडक्ट। और इसकी फायदा क्या है, इसके आप खाना बना सकते हो, तेल में फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर एक अच्छी बात यह है कि WHO की मान्यता है कि इसकी जो राइस ब्रान ऑयल है उसमें ना हार्ट की प्रॉब्लम होता है, ना शरीर में फैट जमता है, और अच्छी बात है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। उसके बाद जेटा टी, जेटा कॉफी अलग अलग ये का, और ब्रेकफास्ट के लिए सीरियल, उसके साथ ओरल केयर के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसमें अंदर डेस्ट एश्योर के अंदर ये नीम लॉन्ग कैल्शियम एक नॉर्मल पेस्ट है, इसके बाद गैनो पेस्ट है, इसके बाद जिसकी दांत साफ नहीं होते उनके लिए ये क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा व्हाइटनिंग टूथपेस्ट है, माउथ वॉश है। उसके बाद पर्सनल केयर के अंदर वो सारे रेंजे जो आप घर में यूज करते हैं, चाहे वो हेयर केयर से लेके बॉडी केयर से लेके और स्किन केयर की तरफ फेस केयर, सारे चीजें आप इस रेंज में मिल जाता है। उसके साथ साथ नेचर की एक पर्सनल केयर की एक हायर रेंज की प्रोडक्ट है, और बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट है, पाराबिन फ्री है और बहुत ही फेटा सर्टिफाइड प्रोडक्ट है ये, इसके कोई स्किन की साइड इफेक्ट नहीं होता है और बहुत अच्छा होता है। आप इसकी भी डिटेल जानकारी ले सकते हैं यूट्यूब से। उसके बाद एक रेंज आता है वुमेन हाइजीनिक, वुमेन हाइजीन रेंज उन लोगों के लिए जो वुमेन्स आज हाइजीन के ऊपर ज्यादा फॉलो करते हैं, तो इसे ड्यू गार्डन के नैपकिन, ड्यू गार्डन हमारे ब्रांड है जिसमें फोमिंग इंटमेंट वॉश ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आता है। उसके साथ साथ हाई वेस्ट आता है जो घर की सफाई के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो टॉयलेट से लेके कपड़े से लेके बर्तन से लेके फ्लोर से लेके कुछ भी आप साफ करते हैं तो हमारे पास उस सारे रेंज के प्रोडक्ट हाई वेस्ट के माध्यम से मिल जाता है। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट एग्री भाइयों के लिए जो लोग हमारी खेती बाड़ी करते हैं उनके भी ध्यान रखा गया, वेस्टिज ने उन लोगों के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिससे क्या होगा, उससे आप अपने खेती बाड़ी में आप डालेंगे तो उर्वरकता बढ़ता है, आपकी फसल की जो आमदनी है वो बढ़ जाती है लेकिन लागत जो है वो कम हो जाती है। उसके साथ साथ ट्रूवेन हमारी कुछ जेंट्स कॉस्मेटिक के तहत, मिस्टर मिलान लेडीज कॉस्मेटिक के, इसमें भी बहुत सारे रेंज है, वेलिनो भी एक और ब्रांड आए हैं जो हमारी लेडीज को लेके कॉस्मेटिक से लेके स्किन फॉर्मूला स्किन ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट है। उसके बाद मैको ड्राइव, मैक ड्राइव क्या है, मैक ड्राइव नैनो इंजिनाइजर, ये इंजिन में डलने के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसको इंजिन में इंजिन ऑयल के साथ मिला के डाल सकते हैं, इससे आपकी इंजिन भी एफिशिएंसी बढ़ता है, और अच्छी बात क्या है ये धुआं जो पोल्यूशन धुआं है वो कंट्रोल करता है और इंजन का लाइफ भी बढ़ा देता है, इसमें जो इंजन गाड़ी ज्यादा साउंड करता है वो साउंड भी कम हो जाता है। बहुत सारे लोग, मैं खुद भी यूज किया हूँ, बहुत सारे लोग यूज किए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा तारीफ किया इस प्रोडक्ट के बारे में, अगर आप इसके बारे में भी जानकारी लेना है तो आप यूज करके देख सकते हैं, चाहे वो टू व्हीलर थ्री व्हीलर फोर व्हीलर किसी भी गाड़ी में आप यूज कर सकते हैं। ये तो था कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, जिन लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना था यहाँ तक था प्लान, लेकिन जिन लोगों को पैसा चाहिए या आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट को यूज करके आप कुछ और करना चाहते हैं तो आप इस प्रोडक्ट के बारे में ये इनकम प्लान के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और आने वाले 5 से 10 मिनट में आपको इसमें कैसे पैसा कमाया जाता है उसके बारे में बताऊंगा, ध्यान से समझना क्योंकि ये 10 मिनट आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके आ सकती है। चलिए समझते हैं कैसे काम करता है। पहली चीज, ये काम करता है ऐसे कि ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, ये एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। इसके अंदर अंतर यही है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में मैन्युफैक्चरर सामान बनाने के बाद जब कस्टमर तक पहुंचाता है तो एक ट्रेडिशनल वे फॉलो करता है जिसको C&F होलसेलर रिटेलर एडवर्टाइजमेंट शॉपकीपर दुकानदार के माध्यम से कंज्यूमर तक पहुंचाता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ मैन्युफैक्चरर जो कंज्यूमर तक पहुंचाता है तो वो इस बात को फॉलो नहीं करता, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचता है, जिसकी वजह से कंपनी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट खर्चा से लेके शोरूम का खर्चा ये सारे खर्चा कंपनी बचा लेती है और इसी खर्चे को कंज्यूमर के पास एक मौका देता है कि अगर आप मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो मेरे प्रोडक्ट की जो भी प्रॉफिट होगा, जो सेल होगा, जिसकी जो प्रॉफिट मैं बचाऊंगा उस प्रॉफिट को आपको दे दूंगा। फ्रेंड्स, अगर मैं एक सिंपल तरीके बताऊं तो किसी कंपनी अगर 2500 करोड़ कर रही है और इसी ट्रेडिशनल सिस्टम से, तो 2500 करोड़ में 40% अगर मैं लेता हूं तो लगभग 1000 करोड़ इस बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कौन सा? C&F होलसेलर रिटेलर और ह्यूज एडवर्टाइजमेंट, इनकी मार्जिन से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जिसको हम कहते हैं बिचौलिया।
लेकिन इस माध्यम से अगर कोई 2500 करोड़ कर रही है तो इस 2500 करोड़ में से 1000 करोड़ केवल कंज्यूमर में डिस्ट्रीब्यूट होता है जो इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने में मदद करते हैं। तो ये है डिफरेंस इन दोनों में। तो ये आपको ये बेनिफिट लेना है या आप ट्रेडिशनल वे में जैसे काम कर रहे हैं ऐसे करते हैं, ये चॉइस आपकी है। अगर आपको ये समझ आता है तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी आमदनी के स्रोत बन सकता है। काम कैसे करता है अगर मैं वेस्टेज की अपॉर्चुनिटी की बात करूं, बहुत ही सिंपल है। जब आप बाजार जाते हैं तो आप करते क्या है कि बाजार जाने के बाद आप कुछ सामान खरीदते हैं, कस्टमर बन के आ जाते हैं सामान लेके, लेकिन वेस्टेज में जाते हैं तो सामान लेने से पहले आपको बनना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कुछ नया करना नहीं है, आपको खाली अपने आधार कार्ड या कोई भी ऐसे गवर्नमेंट प्रूफ देंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और उसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इंडिया में और वर्ल्ड वाइड जहां वेस्टेज के ऑफिस है उसी एक ही सिंपल आईडी से आप कहीं से भी खरीदारी कर सकते हैं, कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि आपकी बैंक अकाउंट है, एक बार बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में खुल जाता है तो आप किसी भी शहर में जाते हैं उसी अकाउंट नंबर से आप अपने बैंक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसी तरीके की वेस्टेज की एक बार आईडी बन जाता है तो आप जिंदगी भर उस आईडी से अपने काम कर सकते हैं, और उसके साथ साथ 10 तरीके की इनकम लेने का आपके पास एक मौका है। ध्यान देखिए, मौका है, मौका इसीलिए बोल रहा हूँ, करना नहीं करना ये आपकी है। आपके लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए, आपको लगता है मुझे खाली प्रोडक्ट यूज करना, वेरी गुड, यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक यूजर बन के भी 2-4-5 हज़ार रुपए कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रमोटर बनेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छे इनकम भी कमा सकते हैं। और ये अच्छे इनकम क्या है 10 तरीके की, ये है 10 तरीके की इनकम। रिटेल से लेके इलाइट बनोस तक ये सब अलग अलग तरीके की बिजनेस है। यहाँ पे ये दो बनोस जो पहले दोनों बनोस है, दोनों इनकम है, वो बाय डिफॉल्ट आज एक कंज्यूमर आपको मिल जाता है, लेकिन बाकी जो 8 इनकम है उस 8 इनकम को अगर आपको लेना है तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको इसको सीखना पड़ेगा और इसको काम करना पड़ेगा, मेहनत करके आप ये इनकम भी ले सकते हो। अगर आपने ये सारे इनकम क्वालिफाई कर गए तो आपकी इनकम 1.5 से 2 लाख-3 लाख रुपए तक भी पहुंच सकता है महीने की, और यहाँ पे इसी वजह से इनकम के वजह से आज लोग लाखों रुपए करोड़ रुपए कमा रहे हैं इस बिजनेस से। कैसे काम करता है आइए चलते हैं एक एक करके समझते हैं। सेविंग एंड कंजम्पशन, सेविंग एंड कंजम्पशन के अंदर में अगर आप देखूं तो यहाँ क्या सेविंग है। पहला चीज, जो भी प्रोडक्ट आप यूज करेंगे उसकी एक एमआरपी होता है, एक डीपी प्राइस होता है। जब आप रजिस्टर्ड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, आपको डीपी प्राइस में मिलता है, तो वो 10 से 20% डिस्काउंट होता है एमआरपी से। तो पहला आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया। दूसरा डिस्काउंट क्या है, आपने हर महीने अगर 12 तारीख से पहले खरीदते हैं या 19 तारीख से पहले खरीदते हैं, कंपनी आपको देता है 10% एक्स्ट्रा बोनस, एक्स्ट्रा इनकम। क्या इनकम, ये इनकम नहीं है, पैसा नहीं है, ये आप कुछ फ्री प्रोडक्ट आपको मिलता है 10%, तो ये भी एक फायदा है आपके लिए। और तीसरा फायदा क्या है, आपको लगता है नहीं मुझे रेगुलर ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है यूज करना है, तो कंपनी कहती है आप कंसिस्टेंसी में आइए, बहुत ज्यादा बेनिफिट है आपको। क्या बेनिफिट है, अगर 2000 रुपए तक के सामान 4 महीना लगातार लेते हैं, 2000 की 4 महीना लेते हैं, 5वें महीने में 1250 रुपए के सामान फ्री मिलेगा। अगर 3000 रुपए के सामान लेते हैं 4 महीने, तो आपको 2500 के सामान 5वें महीने में फ्री मिलता है, वो भी आपकी पसंद की जो आपको प्रोडक्ट चाहिए। जब ये प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ ये बेनिफिट और सारे बेनिफिट को जोड़ दिया जाए और आपको जो इनकम आएगी, जो आपकी मनी बैक बैंक अकाउंट में, उस सारे चीजों को बेनिफिट मिला दिए, तो कंपनी से बहुत अच्छे डिस्काउंट और बहुत अच्छे बेनिफिट आपको मिल जाता है। लगभग 40% डिस्काउंट रेट में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। उसके बाद दूसरा, जब आप आते हैं तो आप कुछ परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं, तो आपको मिलता है परफॉर्म बोनस। परफॉर्मेंस बोनस का मतलब क्या है, कंपनी पहले ये समझना जरूरी है कि ये चार्ट क्या कहता है। ये चार्ट कहता है कि आपको एक एक्युमुलेटिव बोनस मिलेगा, एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस पीवी के बेसिस पे। ये पीवी क्या होता है, जब आप 30 रुपया वेस्टेज में खर्चा करते हैं तो आपको 1 पीवी मिलता है, तो लगभग 100 रुपये में 3 पीवी 3.25 पीवी मिल जाएगा, या 1000 रुपये के सामान खरीदेंगे तो आपको 33 पीवी के आसपास मिल जाएगा। तो 33 पीवी मतलब आपने 1000 रुपये के सामान लिए तो आप इस ब्रैकेट में आ गए 1 से लेके 599, तो आप 5% तो इसका मतलब आपको 5% मनी बैक मिलेगा। अगर आपने 5900 से ज्यादा कर लिया, 600 कर लिया, तो आप 8% अचीवर बन गए, 2400 कर गए तो 10%, और 5500 कर गए तो 11% अचीवर बन गए। और 11% अचीवर बन गए तो इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब ये परफॉर्मेंस बोनस का हाईएस्ट ब्रैकेट टच कर गए। उसके बाद आपको अपने ग्रुप के साथ या अपने टीम के साथ अगर 1 महीने में 2000 से ज्यादा पीवी करते हैं तभी जाके आपको नेक्स्ट इनकम आता है। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं एक्युमुलेटिव क्या होता है, जुड़ते क्रम पे। जुड़ते क्रम मतलब आप जो भी खरीदारी करेंगे, जो भी पॉइंट आपकी वैल्यू होगा, वो पॉइंट जुड़ते चला जाएगा। पिछले महीने अगर आपकी 20 पॉइंट था और इस महीने 20 पॉइंट आपने खरीदारी किया तो आपकी 40 पॉइंट हो गया,
तो आप समझना है कि 40 पॉइंट हो गया, मतलब ये बढ़ता चला जाएगा और जुड़ते जुड़ते 5,500 होगा। अगर आप अकेले अपने घर के लिए सामान लेंगे तो हो सकता है 2-3 साल लग जाए, लेकिन अगर आप अपने टीम बना के काम करेंगे तो 2-3 महीने में आप 5,500 तक पहुंच सकते हैं, डिपेंडिंग अपन योर एफर्ट कि आप कितना मेहनत करते हैं, कितना सीखते हैं। और अगर आपने फास्ट स्टार्ट 8% करेंगे और मंथ एंड मतलब 31 तारीख तक आपके पास टाइम है, आज केवल 16 तारीख है, और उसके बाद अगर आप यहाँ काम करते हैं तो 15 अगले 15 दिन में आप किस लेवल तक किस पॉइंट तक पहुंचते हैं ये डिपेंड करेगा। और उसके साथ साथ कंपनी कुछ आपको एडिशनल एडवांटेज दिया, इसकी जानकारी आपको जिसने बुलाया वो उसे पूछिए ताकि और डिटेल में ये समझा देंगे कि आप कैसे इसमें एडिशनल एडवांटेज ले सकते हैं। और उसके बाद चलते हैं, जैसे आपने 5,500 क्रॉस कर गए और उसके बाद 2001 पीवी किए तो आप बन गए ब्रोंज डायरेक्टर, और ब्रोंज डायरेक्टर कंपनी अपने टर्नओवर का 4% देता है, ब्रोंज डायरेक्टर बोनस आपको मिलता है। उसके बाद अगर थोड़ा मेहनत करके 2,000 नहीं 2,600 पीवी कर दिए तो टीम बिल्डिंग बोनस मिलेगा, और अकेले नहीं अपनी टीम के साथ। और ये एक नया इनकम है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ, ये इसीलिए कहा गया ताकि जो नया लोग हैं शुरुआत करते हैं इस बिजनेस में, अगर वो 2600 पीबी करके अपने ब्रोंज डायरेक्टर मेंटेन करते हैं और टीम बिल्डिंग बोनस के साथ, उनकी जो इनकम होता है वो लगभग 7,000 से 8,000 रुपए। तो ये अच्छी बात क्या है कि आप शुरुआत करते हैं और इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस में अगर आप लंबे समय तक एक करियर बनाना चाहते हैं तो आपको एक इनिशियल स्टेज में ये बहुत मदद करता है, ये टीम बिल्डिंग बोनस। उसके बाद जैसे जैसे आप दूसरों को मदद करते हैं इस बिजनेस में, आप आगे बढ़ते हैं। और इस बिजनेस की टैग लाइन है इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। इसका मतलब आप जब दूसरे को मदद करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे, आप दूसरे को सफल बना के ही आप यहाँ बिजनेस में सफल होते हैं। तो यहाँ पे जब आप किसी भी एक दोस्त को मदद करते हैं ब्रोंज डायरेक्टर बनने में तो आप बन जाते हैं सिल्वर डायरेक्टर, और सिल्वर डायरेक्टर बनने के बाद आपको मिलता है बिजनेस बिल्डिंग बोनस। ये कंपनी का टर्नओवर का 14% होता है, ये एक अच्छी इनकम है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आपको मिलता है लीडरशिप बोनस। लीडरशिप क्या है, तब तक आपने थोड़ा सीख लेते हैं, लीडरशिप आपके अंदर डेवलप होता है, और आप जब भी बिजनेस की नॉलेज ले लेते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को लीड करते हैं। जब आप बहुत सारे लोगों को लीड करते हैं, सिखाते हैं, उनको भी मदद करते हैं पैसा कमाने में, तो आपकी लीडरशिप आता है और उससे कंपनी आपको देती है लीडरशिप बोनस। ये एक 15% कंपनी का टर्नओवर है, एक बहुत ही अच्छा रकम होता है, लगभग 1 लाख में अगर किसी की इनकम है तो उसमें से 50% लीडरशिप बोनस आता है, मतलब 50,000 रुपए तक लीडरशिप बोनस कमाते हैं। तो जो भी वेस्टिज यान है उनकी एक ही सपना होता है, जल्दी से जल्दी मुझे लीडरशिप लेना है। लीडरशिप जितना ज्यादा जल्दी लेंगे, जितने ग्रुप से लेंगे, मतलब कंपनी 1, 2, 3 जितने ग्रुप आप बना सकते हैं, तो जितने ग्रुप से ज्यादा आप लीडरशिप लेंगे उतने बड़ा चेक आपकी बनता है। उसके बाद ट्रैवल फंड, विदेश जाने के लिए जिसकी सपना है वो भी सपने यहाँ वेस्टिज से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आज भी तक 30,000 से 40,000 लोग ऐसे हैं जो वेस्टिज के माध्यम से अपने विदेश यात्रा की सपना पूरे कर चुके हैं, और आप भी इसमें कर सकते हैं। करना क्या है, आप दो दोस्त को मदद करते हैं ब्रोंज डायरेक्टर बनने में, उसके बाद आप बनते हैं गोल्ड डायरेक्टर। गोल्ड डायरेक्टर को अगर आप हो जाते हैं तो आपको कंपनी ट्रैवल फंड देती है 3%। ट्रैवल फंड का मतलब जो सातवां इनकम, उससे पहले वो सारे इनकम है उसके साथ ये ऐड हो जाता है, नया इनकम ऐड हो जाता है ट्रैवल फंड, तो आप सातवां इनकम भी क्वालिफाई कर जाते हैं गोल्ड डायरेक्टर के बाद। ये आपकी इनकम को बढ़ोतरी में, ये बढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद आता ये सारे ट्रैवल जहां जहां विदेश यात्रा कंपनी कर चुकी है, कोई ऐसा कंट्री, लगभग ज्यादातर कंट्री कंपनी चाहे यूरोप हो, एशियन कंट्री घुमा के ले चुके हैं, और ये कोरोना की वजह से अभी काफी समय से ही बंद है, लेकिन जैसे ही सब ठीक होगा कंपनी फिर विदेश लेके जाएगी, तो इसके लिए भी आप फाइट कर सकते हैं। उसके बाद कार फंड, और सपने हर इंसान की होता है गाड़ी चलाने की, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने मेहनत करने के बाद भी उस सपने तक नहीं पहुंच पाते, बट वेस्टिज आपको एक चांस देता है, मौका देता है कि आप भी अपने कार फंड में आप कार फंड ले सकते हैं। लेकिन ये कार फंड का मतलब क्या है, आप 3 दोस्त को मदद करते हैं तो आप बनते हैं स्टार डायरेक्टर, और स्टार डायरेक्टर बनने के बाद आप 3 महीने मेंटेन करते हैं तो 4th महीने में आपको आ जाता है कार फंड। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होता है वो 80,000 रुपए होता है। फ्रेंड्स, अभी बहुत सारे लोगों को लगता होगा यार मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ मेहनत करने में फायदा क्या है, क्यों मेहनत करूँ, वो हम जहाँ मेहनत कर रहे हैं वहां क्या कमी है। ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म अलग है, यहाँ पे आपकी जो मेहनत है ये धीरे धीरे मल्टीपल होता है, कंपाउंड होता है। कंपाउंड का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ 3 दोस्त मदद करते हैं और 3 दोस्त ब्रोंज डायरेक्टर बनते हैं तो ये 2600 2600 2600 करके तो ये 3 दोस्त का 7,000 की इनकम आता है। जब ये 3 दोस्त के 7,000 की इनकम आता है, ये लोग जब 15,000 की इनकम के लिए और मेहनत करेंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगा। इसका मतलब
केवल आपकी मेहनत से यहाँ इनकम नहीं बढ़ता है, यहाँ पे जब आपके साथ कुछ ऐसे लोग आते हैं जो अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत करने से उनका चेक तो बढ़ता ही बढ़ता है, उसके साथ साथ आपकी भी इनकम बढ़ता है। यही इस कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 5 लाख 10 लाख 15 लाख कमा रहे हैं, लेकिन आज के डेट में वो कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करने के बावजूद भी उनकी इनकम लगभग वही इनकम तक पहुंचे, क्योंकि उनकी टीम में इतने सारे लोग हैं जो लोग अपने मेहनत की वजह से अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं। ये बिजनेस की ब्यूटी है, इसको टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट कहा जाता है, तो जो आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। उसके साथ साथ हाउस फंड मतलब नवा इनकम हो गया। यहाँ पर हाउस फंड में आपने 6 दोस्त को मदद करिए ताकि वो लोग आगे बढ़े, वो लोग सफल हो, वो लोग पैसा कमाए। जब 6 लोग को मदद करते हैं तो आप बनते हैं क्राउन डायरेक्टर। क्राउन डायरेक्टर बनने के बाद 3 महीने आप लगातार इस क्राउन डायरेक्टर को मेंटेन करते हैं, तो 4th महीने में आपका आना लग जाता है हाउस फंड। और एक बार ये हाउस फंड क्वालिफाई कर गए तो आपकी इनकम लगभग 1 लाख से ज्यादा क्रॉस कर जाता है, और जिसकी सपना हर वेस्टिजियन देखता है कि कब मैं इस 1 लाख को क्रॉस करूंगा, ये डिपेंड करेगा आपकी मेहनत से, आपकी लगन पे। आप मेहनत करके अगर इस सिस्टम में काम करते हैं तो 2 साल 3 साल 5 साल जितना समय आप मेहनत करेंगे उस समय पे आप यहाँ पे आगे जा सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट है 1 लाख रुपए। मैक्सिमम लिमिट किसका? केवल हाउस फंड का। टोटल हाउस केवल हाउस फंड में 1 लाख रुपए तक महीना कमा सकते हैं। उसके बाद इलिट क्लब जो उन लोगों के लिए जो टॉप लेवल्स होते हैं, जिसमें यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, डबल क्राउन डायरेक्टर, DUCT है, और इन लोगों को इसीलिए दिया जाता है क्योंकि ये बड़े बड़े टीम को लीड करते हैं, लेकिन उनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया रखा गया। इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो उनको 2% एक्स्ट्रा अपने कंपनी का टर्नओवर से मिलता है। ये एक भी एक अच्छा रकम होता है जिससे आप इनकम अपने बढ़ा सकते हैं। चलिए, ये था इनकम प्लान। और मैं आपको बता दूं, जितने लोग इसको पहली बार देख रहे हैं बहुत कुछ समझ आया होगा, बहुत कुछ समझ नहीं आया होगा। और मुझे पूरा पता है कि जब मैं भी इस प्रोजेक्ट में सुना था मुझे कुछ इतना ज्यादा समझ नहीं आया था, लेकिन इतना समय आया था कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो यहाँ से बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसी संभावना के साथ इस बिजनेस को शुरू किए थे। और आपको मैं बता दूं, इसको शुरू करने से पहले या कुछ डिसीजन लेने से पहले myinvestees.com साइट को जरूर विजिट करिए, क्योंकि आज हर चीजें ऑनलाइन मिल जाता है और हर चीजें आपकी मुट्ठी पे आ गया है। आप अच्छी तरीके से इसको विजिट करिए, सारे प्रोडक्ट, सारे कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का इनकम प्लान, कंपनी के अचीवर जितने भी मैंने बताया वो सारी चीजें आप इसको देख सकते हैं, और उसके बाद आप एक डिसीजन ले सकते हैं। और जैसे डिसीजन लेते हैं तो फटाफट अपने आधार कार्ड भेजिए जिसने बुलाया है उनके साथ, और उसके बाद जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपके पास आता है ID नंबर पासवर्ड, और आपने अपने प्ले स्टोर में जाके वेस्टीज ऐप को डाउनलोड करिए और अपने ID नंबर पासवर्ड डालिए, और इमीडिएटली आप अपने ऑफिस खोल के विजिट कर सकते हैं, और वहीं से फिर आपकी बिजनेस वेस्टीज बिजनेस आपकी शुरू हो जाता है। डिजिटली बहुत फास्ट काम करती है वेस्टीज, और हर प्लेटफॉर्म में आपने प्रेजेंस रखी है तो आप सब लोग जानते हैं आज दुनिया डिजिटल की तरफ जा रहा है, तो वेस्टीज भी डिजिटल हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना कि आपके सही एप्स डाउनलोड करना है, वेस्टीज ऑफिशियल ऐप इसी को कहते हैं, या सही जगह पे आप ज्वाइन करना है, चाहे वो फेसबुक हो, ये हो, हर जगह पे वेस्टीज के नाम पे बहुत सारे एप्स फेक एड्स हैं, आईडीज हैं, तो आपको ध्यान रख के उसको ज्वाइन करना है। और ये था हमारे कुछ प्लान, लेकिन अभी जाते जाते मैं आपको थोड़ा सा मदद करूंगा। हो सकता है आप सोच रहे होंगे मुझे क्यों करना चाहिए, मैं तो कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, बिल्कुल आप मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे सपने होंगे जो आप अभी तक पूरा नहीं कर पाए, या कुछ ऐसे सपने के बारे में सोच रहे हैं जो आप अपने प्रोफेशन से पूरा नहीं कर पा सकते हैं, लगता है कि उससे नहीं होगा, तो जरूर आपको इसको गहराई से सोचना पड़ेगा कि वेस्टीज आपके लिए ही बना है। क्योंकि जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कुछ नहीं है, तो इसलिए मैंने जॉब के साथ शुरू किया। तो आप भी अपने प्रोफेशन के साथ इसको समझिए, क्योंकि इसको डेप्थ समझने में, उसकी पोटेंशियल समझने में 2-4-5 महीना लग सकता है, लेकिन अगर आपने 5 महीना लगा दिए तो आने वाले आपकी 10-20 साल सेव हो सकता है, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। अगर आप कोई सपना पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो गाड़ी की है, घर की है, या बच्चों का एजुकेशन है, या मम्मी पापा को कुछ आप देना चाहते हैं, कुछ भी गिफ्ट वैसे लोगों को अगर आप देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। उसके बाद अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, हेल्दी मतलब आज आप जानते हैं हम किस तरीके से और किस समय से हम गुजर रहे हैं। हर इंसान अपने हेल्थ के लिए लड़ रहा है, कब कौन क्या कैसे बीमारी आ जाता है पता नहीं है, लेकिन आप अगर अपने हेल्दी रहना चाहते हैं तो यहाँ हमारे बहुत सारे हेल्थ ट्रेनर हैं, डाइटिशियन से, जो आपको गाइड करते हैं किस तरीके से आप सप्लीमेंट लेके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। खुद तो आप हेल्दी रहेंगे ही रहेंगे, आप अपने समाज को और अपने परिवार को स्वस्थ रख के एक अच्छी आमदनी भी कर सकते हैं। और तीसरा चीज,
जो हर इंसान के सपना होता है, मैं एक बिजनेसमैन बनूं। लेकिन बिजनेसमैन बने तो बने कैसे इस परिस्थिति में, आज जिस दौर पे चल रहे हैं, इसमें पैसा लगा के बिजनेस करना बहुत बड़ा एक बेवकूफी या बहुत बड़ा एक फॉल्ट होगा। लेकिन मैं यही मानूंगा कि अगर आपके अंदर कोई एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, या आपको लगता है कि मेरे अंदर एक बिजनेसमैन की इंसान छुपा हुआ है, तो आप उसको परीक्षा लेना चाहते हो या अपने आप को साबित करना चाहते हो, तो उस तरीके से काम इस इंटरप्रेनर या वेस्टीज के प्लेटफॉर्म में अपने आप को साबित करिए। क्यों ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के अंदर 90% काम, एक बिजनेस की जो 90% काम है, वो 90% काम वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है। आपको केवल 10% काम करना है, और वो क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, अपने सीखना है और बताना है। अगर आप इतने 10% करके अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सफलता होता है। नहीं तो आप अगर नॉर्मल बिजनेस में जाएंगे तो 50 तरीके की चीजें आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, और उसको करते करते इंसान थक जाता है। फिर लगता है कि और इतने कुछ करने के बाद भी अगर मार्केट में नहीं चला तो बहुत सारे नुकसान भी हो जाता है। बट यहाँ पे नुकसान एक भी पैसे की नहीं है। अगर आप 1 साल किए कुछ नहीं कर पाए, तब भी आपके कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि यहाँ आपकी कोई पैसा नहीं लगता है। ये था, मैं इसीलिए बोलूंगा इसको जरूर एक कीजिए, और एक अच्छे सोच के बाद एक अच्छे डिसीजन लीजिए। वी ऑल आर विथ यू। और मैं आपको बता दूं जाते जाते कि ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो बहुत बूम होने वाला है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के ऊपर कोर्स लेके आ रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों को, और स्टूडेंट्स जो पास आउट होते हैं वो भी डायरेक्ट सेलिंग को जानकारी लेने के लिए कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं लाखों रुपया देके। अभी रिसेंटली ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आया है, बट यहाँ पे आपको फ्री में सिखाया जाएगा। अगर आप आते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो हम सब लोग आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसफुली। 2004 से वेस्टीज अपने लोगों के सपने पूरे कर रहे हैं, तो उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। टेक ए वंडरफुल डिसीजन। और आपकी जो सर्च है, या आपकी जो ढूंढ रहे थे कि एक पार्ट टाइम कुछ एक्स्ट्रा इनकम, शायद वेस्टीज ही वो पूरा कर सकता है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ। यहाँ से हमारी प्रोग्राम यही एंड होता है। और ये सुमेश जी, देवाशीष जी, रमेश जी, सब लोग सुन रहे हैं, और किसी के कोई सवाल है, जो लोग फर्स्ट टाइम है, हम चैट बॉक्स ऑन कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी सवाल लगता है, चाहे आप अभी रिसेंटली ज्वाइन किए, आपके मन में कोई सवाल है, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि आपके सवाल के जवाब हम जब देंगे, तो बाकी लोगों की भी इसकी सवाल की वजह से बहुत सारे चीज मिल सकता है। सुकुमार रॉय, सुकुमार रॉय आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सुकुमार रॉय चैट बॉक्स ऑन है, आप हैंड रेज किए हैं, तो अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं।